हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चुप रहिए आप। एक नए ब्लॉग में फिर से आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मैं आज मछली बनाने वाली हूँ। तो मैं कैसे मछली बनाते हूँ ये आप लोग के साथ शेयर करूँगी, पूरा देसी स्टाइल में। तो बने रहिए ब्लॉग में। हाँ, और एक इस बार थोड़ा अलग ही मछली लाए हैं। क्या नाम है मछली का? चंदा रूप चंदा ना। किसको किसको पता है ये मछली का नाम, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो चलते हैं, कैसे बनाती हूँ आप लोग को बताती हूँ मैं। हाँ, और मेरे देवर भी आने वाले हैं आज मछली खाने के लिए। वो पहले मटन, चिकन, फिश कुछ भी नहीं खाते थे, लेकिन आजकल पता चला कि अब खाने लगे हैं, तो इसलिए हमने इनवाइट किया है उन्हें भी। मतलब चाचा ससुर के बेटे यहाँ रहते हैं, वही तो वो भी आने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है, कैसे बनाती हूँ मैं, अच्छा लगता है या नहीं उन्हें। तो चलते हैं बनाने। सबसे पहले तो हमें मसाला रेडी करना है। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है प्याज, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, लाल मिर्च और दालचीनी के 2-3 टुकड़े, 2 या 3 टुकड़े हैं। उसके बाद यहाँ डालना है हमें थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी राई यानी कि सरसों, और इसे हमें ग्राइंडिंग कर लेना है अच्छी तरह से। तो देखिए मैं इसको ग्राइंडिंग कर रही हूँ। अब हमारा मसाला ग्राइंडिंग हो चुका है यहाँ पे। मैं अब हम लोग नमक हल्दी मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक और मसाला जो है सारे फिश के पीस में अच्छे से चला जाए अंदर, और जब इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो देखिए मैं कैसे मिलाती हूँ। एक एक करके अच्छे से हाथ से मिला लेना है इसको, ताकि सारे फिश में, मतलब फिश के जो पीस हैं उनमें अच्छे से चला जाए नमक अंदर तक, इसलिए इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसको फ्राई करना है। अब यहाँ मैं इसको 10 मिनट तक रख दूँगी ऐसी, और उसके बाद तेल गरम करेंगे कढ़ाई में। यहाँ मस्टर्ड का तेल लिया है मैंने, बहुत लोग तो रिफाइंड से भी बनाते हैं। तो देखिए तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें मछली का पीस डाल रही हूँ। इसको फ्राई करना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि ये चिपकता है कढ़ाई में, इसलिए जितना हो सके तेल को कढ़ाई में चारों तरफ फैला लीजिएगा, उसके बाद फ्राई कीजिएगा। इससे उतना ज़्यादा नहीं चिपकता है और अच्छे से फ्राई हो जाता है। देख सकते हैं मैं फ्राई करने के लिए डाल दी हूँ इसमें। तो जब तक ये फ्राई होगा तब तक मैं आटा निकाल लेती हूँ, इसके बाद उसको गूंद के रख दूंगी, क्योंकि अभी तो देवर आए नहीं हैं। तब तक मैं आटा गूंद के रख देती हूँ। तो मैंने आटा गूंद लिया है, ये देखिए ढक के रख दिया है। अब इसको हम लोग देखते हैं, एक साइड तो पक चुका है अच्छे से, अब इसको पलटेंगे हम लोग। इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब चिपकने का डर रहता है इसमें, क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई तो है नहीं ये, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर कोई नहीं, अच्छे से करने से हो ही जाता है। और ये सब चीज़ें ना चूल्हे में अच्छे से बनती हैं, जो लकड़ी वाले चूल्हे होते हैं, बट हम तो अभी बाहर हैं, रहते नहीं हैं गांव में, तो अभी कहाँ से लाएं लकड़ी चूल्हा, इसलिए गैस में ही बनाती हूँ मैं तो सारा चीज़, मटन हुआ, फिश हुआ।
तो देखिए मैं कैसे पलट रही हूँ एक एक करके अच्छे से। तो हमारा फिश फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं पूरा रेड दिख रहा है, ये देखिए। तो एक बार में मैंने 6 पीस लगाया था वो निकाल चुकी हूँ फ्राई करके, अब दूसरी बार मैं डाल रही हूँ। इसमें 14 या 15 पीस हैं। इस बार थोड़ा अलग ही मछली लेके आए हैं क्योंकि मेरे देवर जो आएंगे वो मतलब पहली बार खाएंगे ना, इसके वजह से जिसमें कांटा कम हो ऐसा मछली लेके आए हैं। तो अब हम फ्राई कर चुके हैं और इसमें देखिए एक तेज पत्ता और प्याज, 2 बड़े प्याज काट के रखा था मैंने, अब उसको डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। इसके बाद 2 टमाटर डाला कट के रखा है मैंने कट करके। उसके बाद वो पीसा हुआ मसाला देंगे इसमें, फिर उसके बाद जो टमाटर कट के रखा है कट करके उसको डाल देंगे। फिर हमें ये मसाले को फ्राई करना है नमक हल्दी डाल के। नमक हल्दी पहले भी फिश में हमने डाला था इसलिए थोड़ा कम ही देंगे। देखिए देवर आ चुके हैं हमारे, मेरी बेटी तो डर रही है, उनसे थोड़ा बड़ा बड़ा बाल रखे हुए हैं इस बार तो इसके वजह से बात कर रहे हैं उससे तो वो बोल भी नहीं रही है, अपने पापा के पास जाके छुप गई है देखिए। तो ये देखिए मेरा मसाला भी इधर रेडी हो रहा है, मतलब फ्राई हो रहा है, रेडी हो रहा है बोलती हूँ, फ्राई हो रहा है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें पानी डाल दिया है मैंने। अब जब इसमें उबाल आएगा तब हम लोग मछली का पीस डालेंगे। उसके बाद मैंने धनिया पत्ता भी काट के रखा है ताकि मैं धनिया पत्ता दूंगी इसमें तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है धनिया के पत्ते से। देखिए उबाल आ गया है, मैं सारे मछली के फिश क्या बोलते हैं मछली के पीस को डाल रही हूँ। अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे, उसके बाद बस मछली रेडी है। फिर मैं रोटी बना लूँगी, उसके बाद परोसूँगी पति देव और देवर को। देखिए बन गया है हमारा फिश मस्त देसी स्टाइल में। अब धनिया का पत्ता डाल दूँगी मैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए पतिदेव खा रहे हैं, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि कैसा बनाया तो बोल रहे हैं अच्छा बनाया। आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि टीवी भी चल रहा था, इसकी वजह से मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया है। देवर को भी पसंद आ गया है, वो भी देखिए खा रहे हैं, पहली बार खा रहे हैं तो। अरे कोई नहीं, अब क्या कभी भी मन करेगा बोल दीजिएगा। तो गाड़ी कहाँ, पैदल आए क्या? अच्छा आप लोग, अभी रात के 11 बजने वाले हैं, मैंने खाना भी नहीं खाया है और देवर जी तो चले गए, हस्बैंड भी खा ही रहे हैं, फिर यहाँ नीचे गेट लगाना होता है ना, इसके वजह से मैं आ गई। तो अभी चलते हैं, मैं भी बहुत थक गई हूँ आज, मेरी बेटी का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, बुखार आ रहा था उसको, तो उसको खाना वाना खिला के किसी तरह दवाई खिलाई हूँ, अभी सो गई है वो। अभी मैं भी जाऊंगी, खाना खाऊंगी, बर्तन वर्तन धोऊंगी या नहीं पता नहीं, वैसे तो रात में ही धो देती हूँ। सो गाइस मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।